नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों मैंने आपसे एक चीज़ बताई थी कि जो क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन जो टॉपिक पूछे जा चुके हैं वो रिपीट हो रहे हैं। यानी कि जिस चीज़ पर क्वेश्चन बन चुका है उसी टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये चीज़ बच्चों ने मुझे बताई है कि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उनमें मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे 4 तारीख की शाम को सेकेंड वाली शिफ्ट में हुए क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो संविधान सभा जब बनी हुई थी तो उस समय कोई सभासति तुरंत नहीं बनाए गए थे, टेम्परेरी रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को सभापति बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को पहला स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सच्चिदानंद सिन्हा वाला, राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा डेटा लाया है जो पूछा जा सकता है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो इसको 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बनाने में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, वो थे भीमराव अंबेडकर। पहले कानून मंत्री कौन थे, वो भी थे भीमराव अंबेडकर। फिर पूछा गया है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद एक ये रियासत थी जिसने संविधान सभा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। बाद में वहाँ के निजामों को फोर्सफुली इंडिया में विलय कराया गया था और संविधान सभा में हिस्सा भी दिलाया गया था। फिर उसके बाद में प्रथम लिखित संविधान किस कंट्री ने दिया था, तो ये है अमेरिका ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको रिवाइज कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में विदेश के कार्य को कौन देखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज। फिर पूछा गया भारत का पहला डिजिटल राज्य किसको घोषित किया गया है, केरल को। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, भारत में जो भी प्रथम वाला चैप्टर होता है, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लो, 100% 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और मैंने पुराने वीडियोस भी बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। पेंसिल की निब जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है कहाँ बनती है MP में, तो ये बैतूल में बनती है, ठीक है। फिर पूछा है बटेश्वर मंदिर का समूह किस जगह है, तो बटेश्वर मंदिर का समूह है आपके मुरैना में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये सबको पता होना चाहिए, फुटबॉल से संबंधित है। और ये खेलों से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं ये भी आप याद कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। आर्टिकल 370 जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है उस पर एक प्रश्न आया था, तो आर्टिकल 370 से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोग पढ़ लेंगे जाकर। फिर मांस के लिए किस जानवर को पाला जाता है, तो इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे, वैसे ऑप्शन के हिसाब से बतख बिल्कुल सही आंसर है। फिर पूछा गया झंडे में जो 24 तीलियां होती हैं वो किस कलर की होती हैं, तो वो होती हैं ब्लू कलर की। 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था नासिर शर्मा जी को। एक न्यूक्लियस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन अभी पता नहीं है इस वजह से मैं नहीं बता पाऊँगा। संविधान की संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो संविधान की संप्रभुता जनता में निहित होती है। फिर पूछा गया है पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या होता है, तो सबसे आंतरिक भाग होता है कोर। जैसे इस तरीके से आप पृथ्वी को अगर देखें तो ये लेयर्स में बटी होती है, एक लेयर से ऐसे लेयर में अंदर जाएंगे और सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये बोला जाता है कोर। इसके बाद में पूछा गया है 2016 का साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है सत्यव्रत राउत को, जो कि एक प्रोफेसर हैं। फिर पूछा गया है किस राज्य की सीमा MP से नहीं मिलती है, ये चीज़ ऑप्शन होने पे आप आराम से टिक कर लेंगे।
फिर पूछा गया पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो लाला लाजपत राय का नाम पंजाब केसरी है, वहाँ की महिलाओं ने इनका ये नाम रखा था। फिर मोर शब्द के नाम पे किस जिले का नाम है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि एक्चुअली ये जो मोर शब्द का यूज़ है ये मुरैना जो है मुरैना से मोर मिलता है, इस वजह से मुरैना इसका आंसर सही होना चाहिए। फिर पूछा गया धारा 370 के हस्तक्षेप पर किसके हस्तक्षेप पर तैयार हुआ था, तो जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी हुई है उसमें जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। और ये चीज़ भी आपको बता दूँ कि जो भारत का संविधान होता है और जम्मू कश्मीर का संविधान होता है दोनों अलग अलग होते हैं, जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होता है धारा 370 की वजह से। फिर पूछा गया पंजाब में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, तो विधानसभा का पूछे तो 20 सीटें मिली थी 117 में, और लोकसभा में केवल 4 सीटें उन लोगों को वहाँ पर मिली थी। फिर पूछा गया है हाल ही में हुए उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए के उम्मीदवार कौन थे, तो वो थे वैंकैया नायडू जी। कुछ लोग इसको बीजेपी ना समझे क्योंकि एनडीए का मतलब है बीजेपी और अदर पार्टी जो उनको सपोर्ट करती हैं मिला के जो एक पार्टी बनती है उसे एनडीए बोलते हैं, ठीक है, उसमें बीजेपी का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर पूछा गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के में जैन धर्म के सदस्य कौन हैं, तो वो गुजरात के सुनील सिंधी जी उसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में पूछा गया भारत में भोपाल में के भारत भवन का डिज़ाइन किसने बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने बनाया था भारत भवन का डिज़ाइन। फिर पूछा गया है कोशिका में केंद्रक में होता है, कोशिका के केंद्रक में होता है क्रोमोसोम जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 या 23 जोड़ी। और दोस्तों बायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने बायोलॉजी के ऊपर 4 लेक्चर बनाए हैं और जिनको मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया है उन्हीं को उसी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, उन्हीं 4 लेक्चर से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप चाहें तो वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। फिर पूछा गया ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कैसे स्थायी होगा, देखिए ऐसे आउटर सेल जो बना होता है एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, क्या होता है कि बाहर जो आउटर सेल होता है उसमें या तो पूरे स्थाई तब होगा जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके पास है 2 तो इसको चाहिए कितने 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसी और को दे दे, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसी और को देना ज़्यादा आसान है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके वो स्थाई हो जाएगा। फिर पूछा गया है सफ़ेद रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो उत्तर है 7 रंगों का। फिर शीत ऋतु में फसलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन अभी तक नहीं मिला है। फिर शरीर में हड्डी को मांस से कौन सा ऊतक जोड़ता है, देखिए हड्डी मांस से मांस जब जुड़ता है वो एक अलग ऊतक होता है, मांस से हड्डी जुड़ती है वो एक अलग ऊतक होता है, यहाँ पर पूछा गया है हड्डी को मांस से कौन जोड़ता है, तो वो होती है कंडरा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंडन। फिर पूछा गया है कि पौधों में और फूलों में रंग किस वजह से होता है, तो पौधों और फूलों में रंग जो होता है वो लवक की वजह से होता है, ठीक है, लवक की वजह से ही उनमें हरा या कोई भी और कलर लवक की वजह से होता है। और दोस्तों एमपी के ऊपर मैंने नदियों के किनारे शहर वाले वीडियो बना रखा है वो आप देख सकते हैं, महलों पर वीडियो बना रखा है, नर्मदा नदी पर मैंने वीडियो बना रखा है, ज्योमेट्री पर बना रखा है, और जो भी जीव विज्ञान पर मैंने 4 और सारे वीडियोस मैंने लेटेस्ट पैटर्न जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो जल्दी से जाकर उन वीडियो को देख ले, पिछले 1 हफ्ते में ही मैंने सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।